वो नीचे फेंक दिया। और मैं तुम लोग को एक चीज दिखाता हूँ जो कि मुझे बहुत सता रही है। देखो अभी देख लो परेशानी, सामने दिखा, ये कबूतर देख रहे हो तुम लोग, इसको हाथ में लो, तुम्हें पता चल जाएगा। अभी ये देखें, ये देखें भूखा हुआ है। लो भाई शेर आ गया, ओए 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 ओए, कोटा बिल्कुल खाली लगा पड़ा है, ज्यादा लड़ने का चौका। अरे अरे नहीं नहीं भाई। तो भाई कैसा है हमारा मजनू और कैसी है हमारी लैला? अरे लैला तो उल्टी लटकी हुई है भाई। हैं भाई कैसे हो? ठीक हो यार? काफी टाइम हो गया मुझे इन दोनों को ना खोले हुए, यकीन जानो बहुत टाइम हो गया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो यार दोस्तों हमारा जो मजनू और लैला का जोड़ा है ना, आप लोगों को याद होगा हमने इनका नाम रखा था। तो इनका हमने पूरा पिंजरा बनाया था, उसको जोड़ा था पूरा, ये बॉक्स लगाया था ब्रीडिंग सेटअप के लिए। बट मुझे इनका बिल्कुल भी नहीं पता कि ये ब्रीडिंग कब करते हैं। ज्यादातर लोगों ने बोला था कि जून जुलाई में भाई अंडे देंगे, कोई बोल रहे सर्दियों में देंगे। मेरे कुछ भी समझ नहीं आया उस बात का कि कब देंगे या कब नहीं देंगे। कैसे यार दोस्तों इनको हम जल्द खोलेंगे, और मैं इनको खोलता हूँ पर यार नीचे नीचे सिर्फ कमरे के अंदर। मैं जो खोलने की बात कर रहा हूँ वो गया सेटअप पे, कि हम इनको सेटअप पे काफी टाइम हो गया लेके गए यार। तो इंशाल्लाह यार इनको हम जो ऊपर ले जाएंगे, बट इनके पर काट के। अभी जो यार दोनों के है ना बहुत बड़े पाए हैं, और ये जो है ना अभी ऊपर लेके गया मैं तो उड़ जाएंगे। कैसे यार तुम लोग को मैं जल्द अज जल्द खोलूंगा बहुत जल्द, ठीक है? चले यार। तो यार इसने बड़ा परेशान कर दिया मुझे, ये देखें, ये देखें जो बीच से फटा है ना। खैर से अभी तो ये चल रहा है, क्योंकि हमारा जितना सेटअप है ना वो वैसे सेफ है दोस्तों। और आज जो है ना मौसम की सूरत हाल कुछ यूँ है कि आज बादल छट चुका है, सिर्फ हल्का फुल्का बादल आ रहा है। ये देखें, या फिर ये एक टुकड़ा आया हुआ है बड़ा इस तरफ, इधर से दिखेगा, ये देखें ये एक टुकड़ा आया हुआ है, बस बहुत हल्का फुल्का बादल आ रहा है। पर कुछ नहीं पता, महकमा मौसम यहाँ कह रही है कि यार किसी वक्त भी ज़्यादा बारिश के इंकाम हो सकते हैं हैदराबाद में। तो मैं इस वजह से काफ़ी डिस्टर्ब हूँ, बस अल्लाह पाक बेहतर करें और हम जो है ना इसको जल्द अज जल्द सेट करें अपने सेटअप को। थोड़ा भाई को टाइम मिले, वो एक मसले में फंसे हुए, जैसे ही उन्हें टाइम मिलता है हम इस सेटअप को फ़ौरन सेट करते हैं। कैसे यार सबसे पहले तो मैं इन लोगों को दाना पानी डालना स्टार्ट करते हैं यार। तो यार मैंने जो है ना इनके खाने में बाजरा मिक्स कर दिया, ये देखें गीला करके, गीला करा हुआ बाजरा मिक्स करा है, वैसे नहीं सादा। गीला करा हुआ इसलिए करता हूँ यार क्योंकि दोस्तों जब ये बाजरा आता है ना फार्म वगैरह से, जहाँ से भी होते होते बोरी के अंदर, तो इसमें केमिकल लगे होते हैं, तो केमिकल इनके जिगर पे बहुत मुतासिर करता है, इनके जिगर को, मतलब ये लगा लें बहुत नुकसानदेह होता है इनके जिगर के लिए। तो इस वजह से जब भी दें धो के दें बाजरा, धो के सुखा लें उसको, फिर दे दिया करें। परिंदों को भी, तोते बजे सबको ऐसे ही दिया करें धो के। खैर सारे मैं डाल देता हूँ पहले थोड़ा सा। जो भाई ब्राउनी तुम्हारी पहली बारी, वो आराम से भाई। भाई तुम आज कैसे बैठ गए अंडे पे? कल तक तो तुम नहीं बैठ रहे थे यार। इसने आप लोगों ने याद है दोस्तों एक अंडा दिया था, उस पर बैठ नहीं रहे थे ये। बट देखता हूँ अभी मैं कि क्या अंडा है अंदर या नहीं। ये भी यार मारने लग गया, बहुत एग्रेसिव हो गया। ओए 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 नीचे फेंक दिया, एक ही अंडा यार ये रहा। अच्छा 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 अच्छा, बैठ जा भाई, बैठ जा बैठ जा बैठ जा भाई बैठ जा। मैंने यार तंग कर दिया शायद, मुझे देखना था यार, हो सकता है कि इसने दूसरा अंडा भी दे, पर समझ नहीं आ रहा दूसरा अंडा गया कहाँ, क्योंकि दो से तीन दिन में अंडा दे देता है यार वो, बल्कि एक दिन बाद ही दे देता है। पर दूसरा अंडा मुझे लग रहा है कि इन्होंने तोड़ दिया और इधर ही कहीं वो पड़ा होगा, और वो बाकी आपको पता है चूटियाँ कि वो काम दिखा गई होंगी, खा गई होंगी। तो भाई फुरकान भी आ गया सेटअप पर। यार तुम सही टाइम पर आए हो बिल्कुल, तुम्हारी बड़ी ज़रूरत थी मुझे अभी, क्योंकि यार मैंने बोला ना आपको यहाँ पर अभी मैं कैमरा कैसे पकड़ता, तो हमारा कैमरा मैन आ गया, इसको कैमरा देता हूँ। और मैं तुम लोग को एक चीज़ दिखाता हूँ जो कि मुझे बहुत सता रही है और बहुत परेशानी में लाई हुई है, मैं दिखाता हूँ अभी। तो यार अब जो है ना मैं तुम लोगों को दिखाऊँ कि वो परेशानी क्या है, वो मैं तुम लोगों को दिखाऊँ। देखो अभी देख लो परेशानी, सामने दिखाओ, ये कबूतर देख रहे हो तुम लोग, ये अभी ना उसको बड़े आले को खिला रहे थे, छोटे आले का तुम लोग साइज देख रहे हो, देख रहे हो फुरकान क्या हाल हो गया है। मैं तुम्हें निकाल के दिखाऊँ, ये देखें आ जाओ, क्या करा इसको, ये देखें इसका कोटा ही नहीं भर रहे यार, ये देख रहे हो कहाँ पोटा भरा हुआ, दिख रहा है तुम्हें? हाँ दिख रहा है, खाली पड़ा हुआ, कुछ भी नहीं भर रहे हैं यार दोस्तों, ये कुछ भी इसको खिला ही नहीं रहे हैं। इनमें यही मसला होता है कबूतरों में, पीजन अक्सर आपको मसला मिलेगा, छोटा बच्चा इनका ऐसा रह जाता है बिल्कुल कमजोर, बड़ा बच्चा जो उसकी हालत देखे। मैं दिखाऊँ अब, ये दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, एक दिन का है बस, अड़े अड़े आराम से, ये देखें अब इसका तुम लोग साइज देखो। और इसमें पता है क्या हो रहा है मसला, इसका मसला ये हो रहा है फुरकान, ये देखो इसका पोटा कैसा भरा हुआ है, तुम्हें वाजे हो रहा होगा। हाँ हाँ माशाल्लाह, वो तो ये दोनों को भाई, इसको हाथ में लो, तुम्हें पता चल जाएगा कैसा हो रहा है माशाल्लाह। यार इसको बिल्कुल भी नहीं खिला रहे, तो अब हमारे लिए ना यार ये जिम्मेदारी काम बन चुका है,
इसको हमने फीड करानी पड़ेगी, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। अभी तो मैं इसको यार सीरियल एग वगैरह ऐसा कुछ खिलाता हूँ, क्योंकि अभी ये देखें भूखा हो रहा है, कितना भूखा हो रहा है यार, ये कितना भूखा हो रहा है। खैर से यार अभी तो तुम चलो अंदर, अभी हम एक काम करते हैं दोस्तों, एक ट्रिक आजमाते हैं, इसको यहाँ ही रखते हैं और इस छोटे वाले को डाल देते हैं ताकि ये जो है इसको खिलाते रहें। चलो भाई इसको खिलाओ, देखो तुम्हारी ज्यादा देखो छोटा वाला। तो यार इसको जो है मैंने अभी यहाँ रख दिया दोस्तों, और अभी थोड़ी देर में हम देखते रहेंगे कि ये इसको खाना खिलाता है या नहीं। तो यार इनकी हरकतें चेक करो आप लोग, किस मिट्टी में नहा रहे हैं देख रहे हो, काफी टाइम बाद इनको मिट्टी मिली है ना, दोनों नहा रहे हैं, मेरे लिए नहाने दो यार, बेचारे नहा नहीं पाते हैं और बहुत मुश्किल में रहते हैं। अब एक काम करता हूँ यार मैं तुम लोगों को ना वो खोल के दिखा देता हूँ, सबसे पहले व्हाइट वाला छोटा, फिर छोटा डॉन, क्योंकि व्हाइट वाला अकेला है इसको हम संभाल लेंगे। फुरकान तुम्हारी जिम्मेदारी है, अगर ये इनके पास आए ना तो बचा लेना, इनको दूर कर देना फौरन। नहीं नहीं तुम्हें नहीं काटेगा यार, ये डरता बहुत है एक तो फुरकान। लो भाई शेर आ गया, ओए होए होए होए, माशाल्लाह भाई। यार ये और छोटा छोटा नहीं लग रहा, पहले तो छोटा था अब तो बहुत छोटा लग रहा है। ओ भाई बाद में कर लेना अपनी भरमबाजियां, खाना खाओ पहले जाके, हाँ वहाँ जाके खाना खाओ। वैसे मेरे हिसाब से नहीं ये कुछ कहेगा नहीं, अभी देखते हैं अगर कुछ करता है या नहीं करता। तो यार छोटा चेतन देखें आप कहाँ तक पहुँच गया, और उनको कुछ भी नहीं बोल रहा, अभी इनके पास भी गया था, अरे गिर गया हूँ, ये देखें। लेकिन यार मुझे डर लग रहा है ये एकदम से हमला ना कर दे यार, कैसे हम बैठे हैं पूरे उसमें, कैसे ये खा लेता है, फिर उनको खोलेंगे और इनको लाजमी बंद करना है, क्योंकि छोटा डॉन नहीं छोड़ेगा, छोटा डॉन तो मारेगा भाई। ये कहाँ बंद कर रहे हो? अरे भाई इसको अकेले पकड़ना पड़ेगा, बड़ा मुश्किल है। आज तो चिकन ये आज तो चिकन दिखा नहीं है, बहुत मुश्किल करता है यार। चलो अंदर जाओ, यार अब आने वाले हैं शाहकार, जिसका आप लोगों को इंतजार था, मुझे इंतजार था काफी टाइम से। तो चेक करें हमारे छोटा डॉन, ये चेक करें, ये देखें छोटे डॉन, उधर जाओ यार। देखो छोटे डॉन ने ना हमारी जो छोटी डॉन है उसको गंजा कर दिया, ये वहाँ पे इससे गंजा कर दिया होगा, यहाँ पे आप लोगों को याद है बाल आ गए थे और माशाल्लाह कितनी प्यारी हो गई थी, हाँ ना गंजी कर दिया, ये देखो सारे बाल खींच दिए इसने। और पता नहीं वहाँ पे इन्होंने बताया था कजन ने कि वहाँ पे ना कोई अंडे दिए इन्होंने ना कुछ, बोल लेते यार बस मैं इनको दाना पानी डालता था, खोल देता था और उनके पूरे घर में घूमते रहते थे, मुझे बता रहा है कज़न के पूरे घर में घूमते रहते थे। और बड़ा यार यकीन जानो इन्होंने ना परेशान करता, छोटे से तो हैं यार घूमते रहते होंगे, सबसे ज़्यादा परेशान पता है किसने करा है उनको, वो रहा सेब्राइट, सेब्राइट ने उनकी जान हलक में डाली थी बता रहे थे। खैर यार ये खा लें फिर इनको बंद करते हैं सेब्राइट को, और सारों को मैं पहले अब खाना पानी डाल के, मुझे मेन दिखाने थे आप लोगों को छोटा डॉन और व्हाइट वाला, सेब्राइट को तो मैं अंदर ही डालूंगा क्योंकि यार सेब्राइट अब अकेला है, अपना ये हाथ नहीं आता और बहुत तेज भाग रहा है ये। क्या लगा रखी है, क्या चाहते हो यार? ये देखें मैंने इसको खाने के लिए खोला है और इसकी हरकतें ये हैं कि लड़ रहा है उससे, अब इसको ना अंदर डालना पड़ेगा खाना, ताकि ये जो है ना मौसूफ तरीके से खा लें और अपना पेट भरें, पोटा भरा नहीं है, ये देखें पोटा बिल्कुल खाली लगा पड़ा है, ज्यादा लड़ने का शौक। अरे अरे नहीं नहीं भाई यार, असल में नए नए देखे ना इसने, जब ये है ना थोड़ा सा वो हो रहा उनसे गुस्सा, भाई तुम्हें अंदर ही खाना डाल देते हैं यार। ओ भाई जान जो भी मैं देख रहा हूँ ना, ये आप देखो सब खतरनाक बादल आ रहा है, और अभी यहाँ से भी आएंगे, और रात को हैदराबाद में शदीद किस्म की बारिश बताई है, और ये बेचारे मासूम बच्चे इनको कुछ अभी पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है। ओ भाई हसन भाई, ओ हसन भाई तुम्हें अभी ये पता नहीं है, मैंने आपको क्या कहा था रात को, क्या है बारिश शदीद किस्म की, वो तो खाली पड़ा, अरे वो देखो चचा, अभी ये बादल है सारा, नहीं आगे आगे भी है या सिर्फ ये? हाँ हाँ बादल है आगे पूरे भाई, यार मत करो यार, अबे यार ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी, अपना तो पूरा सेटअप ही ऐसा पड़ा हुआ है यार। तो नहीं यार अल्लाह ना करे, देखना तुम इंशाल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, इंशाल्लाह देखना अल्लाह की रजा हुई ना तो इंशाल्लाह ये बरसेगा नहीं, कल इंशाल्लाह हम इसको करते हैं कुछ, कल एक से दो दिन में यार भाई फारिग हो जाना फिर हम करते हैं यार, अभी बस ये इंशाल्लाह चले जाएगा, जैसे पहले बादल गया था ना वैसे चले जाएगा, देख लेना। चलो यार, तो यार दोस्तों इसको खिला दिया हमने फुल पेट भर के, ये देखें इसका पेट अब फुल कर दिया है, पहले फुल नहीं था अब कर दिया है, खैर से इसको बंद करें यार। ये लो भाई तुमने तो खिलाया नहीं, हमने खिला दिया है। तो अगर तुम लोगों को मेरे आज का ब्लॉग पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल घर में शौक खुद लाभ नहीं सब्सक्राइब कर लीजिएगा मजे मजे के ब्लॉग्स के लिए, मिलते हैं इंशाल्लाह कल नए टॉपिक नए ब्लॉग के साथ, अभी के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।